प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए, ये एक प्लेट है और उसके पैरेलल दूसरी प्लेट रखी है। इस कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट होती है जिसका एरिया हम ए ले रहे हैं। ये इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से और ये मान लीजिए किसी डी डिस्टेंस पे या आपस में यहां से यहां तक दूरी पर रखे हुए। वैक्यूम या एयर इसकी कंडक्टिंग मीडियम अभी लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक फॉर्मूला निकालें कैपेसिटेंस का। मानिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इन कंडक्टर पे, मान लीजिए वो कैपिटल क्यू है, तो जो वैल्यू होगा सरफेस डेंसिटी का, उस जो चार्ज का, जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इन प्लेट, क्योंकि प्लेट की बात जब आती है तो एरिया की बात आ रही है, तो जब हम लेते हैं तो हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, तो वो क्यू बाय ए होता है, क्यू बाय कैपिटल ए। एरिया ये हो गया इस प्लेट का, चार्ज इस पे क्यू हो गया तो सिग्मा निकल आएगा। जो डी है उनके बीच में दूरी वो बहुत छोटी है इनके डायमेंशन के हिसाब से ले तो, इसी के कारण जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड पे, मतलब यहाँ और यहाँ एंड पे तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पूरा रीजन है इस प्लेट के में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कॉन्स्टेंट लेंगे। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में जो दोनों प्लेट के बीच में है पॉजिटिव प्लेट के कारण, वो क्या होगी, ई वन होगी, सिग्मा बाय टू पाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, ओके, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव प्लेट, मतलब इस डायरेक्शन में होगी ये वाली। इसी तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इस नेगेटिव प्लेट के कारण क्या होगी, वो भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगी, ये भी इसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, सिग्मा बाय टू पाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ले ली, टोटल निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो क्योंकि दोनों एक सेम डायरेक्शन में इसलिए जोड़ पा रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे E1 और E2 को जोड़ देंगे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव डायरेक्शन में ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, राइट। अब इस सिग्मा की जगह आप क्यू बाय ए लिख दें तो ये आ जाएगा। इस रीजन में ये जो रीजन की बात हो रही है E1 E2 ये इक्वल डायरेक्शन में है, लेकिन अपोजिट ऐसे कोई ऐसा सिचुएशन आ गई जहां पर E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वहां ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट के बीच में, मान लीजिए वो V है, हम जानते हैं V इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, जरा इसको रख दीजिए यहाँ पर, V क्या बन गया, E बाई डी, E की जगह ये रख दीजिए यहाँ पर, तो बना क्यू एप्सिलॉन क्यू डी बाय एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ध्यान रखिएगा, एयर और वैक्यूम के बारे में बात हो रही है। अब C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, राइट। यहां पर बस आपको क्या करना क्या है, क्यू बाय वी, वी से डिवाइड करना है, मतलब जब हम इसको वी वी क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, बस ये चीज बच जाएगी आप, है ना। अब इस इक्वेशन से हमें एक चीज और क्लियर हो गई, जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट का, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि हम निकाल सकें क्या वैल्यू है। अब देखिए हम कह रहे हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर है, या इसका 1 मीटर 1, अभी एरिया 1 लेके चलते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू डालिए यहाँ पर और डिस्टेंस आप ले लीजिए मान लीजिए 1 मिलीमीटर है, तो करीब कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि अगर हमको 1 फैरड कैपेसिटेंस चाहिए तो जो एरिया होगा हर एक प्लेट का जो 1 मिलीमीटर पे रखा हो वो एरिया कितना होना चाहिए, सी डालिए, डी डालिए और एप्सिलॉन नॉट डालिए, आपका 1.13 इंटू 10^8 इतना चाहिए होगा। यानी कि जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो तकरीबन 10 किलोमीटर होनी चाहिए इसके लिए, केवल ये इसको बताने के लिए ये कवायद की गई है, एग्जांपल मैंने बताया।